दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मानो आपके पास कोई भी लीगल नोटिस आता है तो आप लोगों को करना क्या है, क्या उसका जवाब देना है या फिर आप लोगों को क्या करना है। बहुत सारे लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लीगल नोटिस के ऊपर वीडियो बनाइए, लीगल नोटिस जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मेरे पास आ चुका है, डर लग रहा है, क्या करूँ, ये वही जो भी है डर आ रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे कि लीगल नोटिस आ चुका है या फिर लीगल नोटिस डिस्पैच कर रहे हैं। तो ये सब जो मैसेजेस आता है या फिर लीगल नोटिस सच में आपके घर पे आ जाता है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर मानो आपके पास आता है तो आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहला चीज, अगर मानो आप लोन लेते हो, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी बैंक हो, तो उनके पास एक लीगल अथॉरिटी होता है कि वो पैसा वापस जो भी है वो ले सके, कि वो लीगल नोटिस सर्व करके लीगल तरीके से वो वापस पैसा ले सके। लेकिन क्या होता है कि पर्सनल लोन पे अगर सिक्योर्ड लोन की तरह देखे जाए तो सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि आप लोग कोई भी डिपॉजिट वगैरह मतलब मॉर्गेज जो होता है ना तो वहां पर एक सेफली चीज रख के आते हो और उसके बेसिस में आपको लोन मिलता है, चाहे घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मानो आप लोग सिक्योर्ड लोन अगर लेते हो तो वहां पर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो वो जो चीज आप गिरवी रखे हो उस चीज को बेच देते हैं। अब वो बेचकर क्या करते हैं, वो पैसा जो है उसको रिकवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सनल लोन पे क्या होता है, उनके पास कोई अदर ऑप्शन होता नहीं है। अब मानो आपको अकेले तो लोन देता नहीं है, जो भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से आप लोग देखे होंगे 1 मिलियन डाउनलोड्स, 50 मिलियन डाउनलोड्स तक जो है आप लोग देखे होंगे, अगर 50 मिलियन डाउनलोड्स है तो वहां पर कितना मिलियन लोगों को लोन मिला होगा आप लोग सोच लीजिए। अब उसमें से कितने लोग डिफॉल्टर्स है आप लोग वो सोचो सबसे पहले। अब अकेले बारे में सोचते हो, यहां पर आप लोगों को लगता है कि आप ही हो जो आप लोगों को मतलब दिक्कत देता है, आप लोगों को हैरेसमेंट करता है, ऐसा नहीं होता है। आपके जैसे लाखों करोड़ों जितने भी लोग हैं सभी के साथ सेम चीजें करते हैं, आप लोगों को लगता है आपके ऊपर ही हो रहा है ये सब चीजें, लेकिन आप लोगों को समझना ये है आप लोग अकेले तो हो नहीं, यहाँ पर जो भी है सभी मिलके सभी जो है एक साथ करते हैं ये सब जो भी चीजें, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अगर मानो लीगल नोटिस आपके पास आ जाता है, आप लोग डिफॉल्ट कर चुके हो, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को ये लीगल नोटिस भेजता है सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए। आप लोग अगर डर जाओगे तो उनका काम बन जाएगा, लीगल नोटिस से उनका जो है लगभग 80-85% काम बन जाता है। कैसे बनता है, देखिए एक नॉर्मल सा चीज आप लोग समझो, कोई मानो आप किसी को पैसा दे रहे हो या फिर एग्जांपल दे रहे हो, ठीक है, तो अगर मानो वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या बोलोगे उसको, भाई तू देगा मैं क्या करता हूँ, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो वो बंदा क्या करेगा, डरेगा, ठीक है। अगर मानो कोई ऐसा आदमी को आप पैसा दिए हो वो डरता बहुत ज्यादा है, आप उनको डरा दिए पुलिस का, कोर्ट का, और उनको पता है कि भाई इनका औकात है, ये कोर्ट तक हमें घसीट सकता है, तो वो क्या करेगा, डरेगा, डर के क्या करेगा, पैसा जैसे तैसे करके दे सकता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को समझना यह है कि अगर मानो आपके जैसे जो भी लोग डरते हैं उनको डर दिखा देते हैं, उनके पास पावर है, आप लोगों को पता है, आप लोगों के ऊपर कुछ एक्शन ले सकता है आप लोगों को लगता है, तो यहां पर वो लोग इसी तरीके से आप लोगों को डराते हैं और आप लोग डर जाते हो। सिंपल सी भाषा में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, यहां पर मानो आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोग डर गए, उनको डर दिखा दे कि हाँ मैं डर रहा हूं, तो वो लोग डराए गए ना, उनका काम ही तो होता है डराना, तो वो डरा कर आप लोगों से पैसा वापस लेगा और उनका काम बन जाएगा। जो लोग डरता नहीं है वो लोग बोलेगा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं देख लूंगा उसके बाद, तो वो लोगों को कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोलेगा भाई कोर्ट में जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट में केस फाइल करूंगा, अब अकेले का पैसा वापस लेके उनका प्रॉफिट थोड़ी होने वाला है, अब अकेले आपका पैसा लेकर उनका प्रॉफिट थोड़ी होने वाला है, उनका बिजनेस थोड़ी चलने वाला है। 10,000-20,000 लोन लिए हो, 50,000-1,00,000 लोन लिए हो, उनका करोड़ों का पैसा फंसा हुआ है, सभी के पास से पैसा अगर वापस लेगा तभी उनका प्रॉफिट बनेगा, उनका पैसा रिकवर होगा। आपके अकेले से पैसा अगर वापस लेगा, 1-2-3 आदमी के ऊपर केस कर दिया, उससे मानो कि 30,000 या फिर 3,00,000 उनसे वापस मिल गया, तो इससे हैरेसमेंट ज्यादा हो रहा है ना। पैसा वापस मिलने का मतलब क्या, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो उसका चांसेस नहीं है। कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट में केस चलेगा, कितना समय तक चलेगा किसी को नहीं पता। बस आप लोगों को बस डराते हैं, कोर्ट, पुलिस, वकील, ये सब चीजें डरा देते हैं। आप लोगों को लगता है भाई ये सब हैरेसमेंट किस तरीके से झेलूंगा, जैसे आप सोचते हो ना वो भी सोचते हैं, भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पर कोर्ट जाने के लिए नहीं आया हूँ, पैसा दे रहा हूँ बिजनेस करने के लिए आया हूँ, पैसा मुझे वापस चाहिए सही समय पर, मिल गया भाई खत्म खेल। तो यहाँ पर मानो आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, यहाँ पर दो तरीके का सवाल यहाँ पर आपके आपको मिल चुका होगा। अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हो तो ये लोग क्या कर सकते आपके साथ, तो आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकता, घंटा कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का। और अगर मानो लीगल नोटिस आपको भेज देता है तो यहाँ पर क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। सिंपल भाषा में आप लोगों को बोलूं, लीगल नोटिस अगर आता है आपके पास फाड़ो फेंको, क्यों मैं बोलता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2019 से 2024 तक कितने लोगों के पास कितना लीगल नोटिस जा चुका है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। आप लोगों के पास अकेले के बारे में सोचते हो ना, मुझे तो पता है कितने लोगों के पास कितना नोटिस आता है, कुछ भी नहीं करना होता। अगर करना होता ना वो दो लीगल नोटिस भेजने के बाद ही वो कर देता, लेकिन 2019 से आज तक जो है लास्ट वार्निंग ही चल रहा है, अभी तक जो उनका वार्निंग खत्म ही नहीं हो रहा है। तो यही चीज समझना है कि उनका जो है काम होता है डराकर धमकाकर पैसा वापस लेना, पैसा वापस ले लिया उनका काम खत्म। तो आई होप कि इस वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, डरिएगा मत, जितना डरोगे वो लोग उतना डराएगा। डर अपने मन से निकाल कर देखो, आप लोगों को डेफिनेटली गारंटी के साथ बता सकता हूं वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले, तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।